में से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव झुंझलाकर और गुस्से से अटक कर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसमें सुराख यानी छेद बंद करके कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़ती दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया यानी दबा दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, इसकी छाया कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है, चालाक चतुर। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार, मौके यानी अवसर का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से यानी धीरे से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी यानी सिटकनी खोल कर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत यानी उसकी देखभाल की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो उसने नहाने की चौकी लगा ला कर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ दबाव पड़ता या जिस तरफ जोर पड़ता जरा सा हिल जाता। उस समय केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। केशव, तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, जरा पहले चीथड़े यानी कपड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर किसी पुरानी धोती को फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह यानी उसको कई बार जोड़ा करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम नीचे उतर कर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को टहनी से टिका कर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। केशव प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता यानी धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा लो भैया। केशव, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तुम गिर गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी कि तुमने ही चढ़ाया था, क्या करोगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, अब जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठते, डर यानी भय से। वह स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहां थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अगर तुम अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो चार सिर ना हो जाते। अच्छा बच्चों, आज हम इतना ही पाठ को पढ़ेंगे, कल आपने यही पाठ को अच्छे से रीड पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने जरूर ढूंढने हैं।